हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं आपका भाई उस्मान आपके लिए आज की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो बेसिकली यार, भाई आ गया पाकिस्तान कराची में। तो स्पेशली जो कराची वाले मेरे फॉलोअर्स हैं, तो उनको अगर कोई काम हो और अगर मैसेज पे बात नहीं हो सक रही, तो अगर वो मिलना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दें। तो एक पॉइंट हम अरेंज कर लेंगे जिस पर हम बैठ के आपस में डिस्कस कर सकें कि हमने मतलब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कुछ जितना मुझसे हो सके मैं आपको गाइड कर सकूँगा। तो बेसिकली आज की वीडियो जो है वो है मेरा फर्स्ट ट्रिप पाकिस्तान का। तो ट्रैवल का स्टार्ट होता है हमारा मेरे रूम से, देन फिर एयरपोर्ट, और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होंगी, बहुत कुछ गाइडेंस भी मिलेगी और ये भी देखने मिलेगा कि मैंने कितनी मतलब अगर मुश्किलात आई तो वो किस तरह फेस की और आपने क्या नहीं करना, क्या गलतियाँ जो मैंने की वो आपने नहीं करनी। तो चलें वीडियो की तरफ। तो भाइयों, सीन तो ये है कि टिकट तो हो गई है भाई की, अब पहली बार जा रहे हैं पाकिस्तान और पता नहीं है कि किस तरीके से मतलब अपना सेटअप बनाना है। और देख रहे हैं आप भाई का सामान किस तरह से बिखरा हुआ है, ये सब अभी सेट करना है, पैकिंग करनी है, इसके बाद कहीं जाके हम अपनी तैयारी कर पाएंगे कि हाँ भाई हमने सुबह निकलना है। तो बस पैकिंग करते हैं। हाँ तो भाई देख रहे हो हालत भाई की क्या हो गई है, सामान पैक करते करते, और अभी हम उठे हैं और अब निकलने की तैयारी है। बस अभी फ्रेश होंगे, इसके बाद बस फिर एयरपोर्ट की तरफ निकलेंगे। तो अभी हालत ऐसी बुरी है कि रास्ते में तो व्लॉगिंग हो नहीं सकेगी, तो फिर मिलते हैं डायरेक्ट एयरपोर्ट पर। तो भाइयों, सीन कुछ यूँ है कि आपका भाई आ गया एयरपोर्ट पर, ठीक है, ये एयरपोर्ट के कुछ सीन है। और सबसे बड़ा मसला जो होता है वो ये होता है कि आप जब पहली बार जा रहे होते हो ना, तो आपके पास सामान इतना होता है कि उसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। और यही सीन हुआ मेरे साथ, मैंने इतना सामान ले लिया कि जिसकी कोई हद नहीं, और मुझे पता नहीं था कि किस तरह से उसको मैनेज करना है। अब जो मेरा हैंड बैग है उसमें मैंने सारा अपना सामान ट्रांसफ़र किया और उसकी वजह से हालत हुई है बहुत बुरी मेरी। तो भाइयों, सफ़र का आगाज़ हो चुका, रोम टू इस्तंबुल जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए। अब सीन ऐसा हुआ कि मेरी जो सीट थी उसकी मेरी विंडो सीट थी और बराबर में दो सीटें खाली। हमने बोला पूरा सफ़र करें तो करें क्या, तो एक फ़ायदा ये हुआ कि हमें मिल गई ईरान की एक फ्रेंड जो कि मेरी सीनियर थी। मुझे बाद में पता चला भाई, वैसे तो आपका भाई जो है ना बहुत सख्त है, लेकिन यहाँ पर पिघल गया। सीन ऐसा हुआ कि सच्ची फ्रेंडशिप हो गई, दैन फिर सफ़र भी अच्छा गुजर गया और फिर इस्तांबुल एयरपोर्ट को भी हम दोनों ने मिलकर एक्सप्लोर किया और बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। Introduction, cause they know Brittany Mo. I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models to Kyle, who fucking brought up the bottles. I'm gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this, and now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey, we gon' turn the crib into a club, like Hennessy and Buddhist scream and thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking gotta feel it, that it's gonna be a long night.
cribbing more club like Hennessy and boys screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? But you got a feeling that it's gonna be a long night. Night, 2-4 hours up in the day, I gotta make it right. 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light, make it hype, even if we break at night. And even if things go left, we gotta make them right. Chillin' with mom, we triple up, they on the double up, triple dub. Came from the basement, we only going up, they loving us. Up in the booth, I'm getting dizzy, but ain't the cup is up. Toast to my people that's on the come up, and you live with us. Ain't all about the trick of us. Looking at my watch, a spirit bomb, both hands is going up. We going coast to coast with us. See the flows is flowing, overflowing, yeah, the cup it runneth over, tight, we wave up in the ocean. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? But we got a feeling that it's gonna be a long night. तो भाई वो सीन कुछ यूँ है कि फातिमा कर रही हैं शॉपिंग और हम घूम रहे हैं पीछे, ठीक है। फातिमा ने कहा है कि जब आप लड़की के साथ शॉपिंग करो ना तो यू हैव टू डू पेशेंस। हमने बोला भैया हमसे होता नहीं है, अब लगे हमें इसके साथ। So guys, finally, yeah. Fatima just bought two shirts and she took half an hour to choose just two shirts. Yeah. So Fatima, where are we going right now? Thank you for waiting. Where are we going right now? Any other shop? Yeah. Okay. चलते फिर, marhaba. तो guys, यहाँ तक हमारा सफर था फातिमा के साथ इस्तांबुल तक। इस्तांबुल के बाद फातिमा निकल गई ईरान, हम निकल गए पाकिस्तान। पाकिस्तान के जहाज़ के लिए हम जब बैठे तो हमें एक पार्टनर मिली, इसका नाम था इकरा, बहुत क्लास की बंदी, ठीक है। और उसकी वजह से सफ़र मेरा बिल्कुल बोरिंग नहीं रहा, ठीक है। बहुत अच्छा हम दोनों का सफ़र रहा, साथ साथ हम पाकिस्तान कराची उतरे। इसके बाद फिर एज़ ऑलवेज़ कि उसके साथ इतनी वीडियो नहीं बना सके क्योंकि हमारे यहाँ पर आके कोरोना टेस्ट हमारा दोबारा से हुआ, फिर इमिग्रेशन की लाइन और बहुत सारी चीज़ें, इसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका। खाली एंड में हमने बस लास्ट वीडियो बनाई, देन फिर आपका भाई बाहर निकला एयरपोर्ट के। तो भाइयों, अभी आपका भाई आ गया कराची और हमारे साथ हैं इकरा। तो ये है हमारी फ्लाइट की दोस्त और अभी हम बाहर निकल रहे हैं, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बाहर। तो आपका भाई फाइनली कराची उतर गया और उतरने के साथ माँ बाप से मिला, बहन से मिला, और फिर ये जो खुशी थी ना, ये बयान नहीं हो सकती, क्योंकि ये वही जान सकता है जो परदेश में रहा हो और कुछ साल के बाद वो अपनी फैमिली से मिल रहा हो, तो उसे पता होता है कि उस वक्त की खुशी क्या होती है। तो बहुत अच्छा मेरा सफ़र रहा और ये दो साल का जो अरसा था इसमें भी बहुत कुछ अलहमदिल्ला मज़ा आया। और अभी आपका भाई इधर ही है, एक डेढ़ महीना इधर ही है, फिर इंशाल्लाह वापसी की तैयारियाँ हैं।
तो इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे यहाँ पर भी, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।